नेपाल के टीम को हराने के बाद पाकिस्तानी टीम का घमंड उनके सिर चढ़कर बोल रहा है और शायद इसीलिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से पहले लगातार बयानबाजी भी करी है। इस बीच गेंदबाज नसीम शाह ने भारत को चेतावनी देते हुए अपनी बात कही थी, लेकिन उर्वशी रौतेला ने जिस तरह से उन्हें जवाब दिया उसे सुनकर शायद आपकी भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा माजरा, दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को एशिया कप का सबसे बड़ा महामुकाबला खेला जाना है। पाकिस्तान के टीम ने पहले मुकाबले में नेपाल के हाथों विशाल जीत हासिल करने के बाद अपने इरादे साफ कर दिए हैं और शायद यही कारण रहा कि नसीम शाह ने इस बीच अपना बयान जारी करते हुए भारतीय टीम को हारने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी टीम की लय है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम के घमंड को हमारी टीम आसानी से चकनाचूर कर देगी। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी में बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ियों का कर भारत के ऊपर जमकर टूटेगा, तो गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ के अलावा मैं खुद भी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दूंगा। भारतीय टीम को हारने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन आपको बता दे कि इस बीच उर्वशी रौतेला ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारतीय टीम के मनोबल को बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया हमेशा से ही शानदार क्रिकेट खेलती रही है और मुझे उम्मीद है इस मुकाबले में फिर एक बार भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करके पाकिस्तान की टीम को हराएगी। उर्वशी ने तो यह भी कहा कि टीम इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा कई ऐसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा बन चुके हैं जिनके चलते पाकिस्तान के टीम उनके कर से खुद को बचा नहीं पाएगी। और बात रही नसीम शाह की, वह तो मैदान में कल पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। शायद नसीम शाह वह मुकाबला भूल गए जब विराट कोहली ने अकेले दम पर हारिस राउफ को वह शानदार छक्के लगाए थे जिसे आज भी हर कोई याद करता है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान की टीम घुटने टेक देगी। इस तरह से उर्वशी रौतेला ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए नसीम शाह को औकात दिखाई है। वैसे आप सभी को क्या लगता है कौन सी टीम मुकाबले जीतेगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।